हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडर शांति कुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 टाइम एंड कैलेंडर। ओके, तो बच्चे यहाँ पे आपको दे रखे हैं मैच द फॉलोइंग करनी है आपको एनिमल्स के बर्थडे मंथ में। ठीक है, कि इनका बर्थडे कब आता है। देखिए, फर्स्ट आई सेलिब्रेट माई बर्थडे 4 days आफ्टर गांधी जयंती। मैं गांधी जयंती के 4 दिन बाद अपना बर्थडे मनाता हूँ। तो गांधी जयंती कब आती है बच्चों? गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को। तो यानी कि अक्टूबर में अपना बर्थडे मनाता है, तो आपको अक्टूबर से मैच करना है। सेकेंड देखिए, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे 2 days आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन बाद ये अपना बर्थडे मनाता है। तो इंडिपेंडेंस डे कब आता है बच्चों? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त में होती है ना, तो अगस्त में इसका बर्थडे आएगा, तो अगस्त से मैच कर देंगे। ओके, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे इन द 3rd month ऑफ द ईयर। साल का जो तीसरा महीना है उस महीने में ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तो साल का तीसरा महीना कौन सा होता है बच्चों? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च हमारा कौन सा हुआ? तीसरा महीना हुआ। तो इसको आप इससे मैच कर देंगे। इसी तरीके से बच्चों आपको ये सारे करने हैं। ठीक है, मैचिंग में सबसे पहले आप अपने कॉपी में जितने भी मंथ्स होते हैं वो मंथ्स लिखेंगे। ठीक है, और जितने भी वीक्स होते हैं वीक्स नेम भी लिखेंगे। ओके, ये दोनों काम आपको अपनी कॉपी में करने हैं, मंथ एंड वीक्स में। ओके, तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टाइम इन मिनट्स। द क्लॉक फेस हैज 2 equal units मार्क ऑन इट्स कॉल आवर्स। ये 12 equal unit मार्क्स है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? घंटे बोलते हैं, आवर्स। When the hour had moved from one number to another, one hour has passed. जब वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच जाता है तो पूरा एक घंटा हो जाता है। ओके, द क्लॉक इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 60 smaller units called minutes. ये 60 smaller units में डिवाइड है, उन्हें कहते हैं मिनट्स। मिनट्स क्या होते हैं? दोनों नंबर के बीच में ये दिख रहे हैं आपको, ये हमारे मिनट्स हैं। तो 12 और 1 के बीच में कितने मिनट्स है? 5 minutes है। ओके, Each smaller unit represent 1 minute. So when the minute hand moves from one number to the next, 5 minutes have passed. 60 minutes में कितने घंटे होते हैं? एक घंटा होता है, 1 hour. 60 मिनट में कितने घंटे हो गए? 1 hour हो गए, एक घंटा हो गया। ठीक है, रीडिंग टाइम मिनट्स इन मिनट। जो टाइम है हमने मिनट्स में कैसे रीड करेंगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 है, यानी कि 5 मिनट्स है। 10 minutes, 15 minutes, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. तो बच्चों आपको ये चीज अपनी कॉपी में बनानी है और लर्न करना है कि 1 में कितने मिनट्स है, 2 में कितने मिनट्स है, 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं, 5 में कितने हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में कितने कितने मिनट्स है, ये भी आपको लर्न करना है और ये आपको वॉच अपनी कॉपी में बनानी है। ओके, टू रीड टाइम वी डिवाइड द क्लॉक इन टू 2 halves. वन पार्ट इज फ्रॉम 12 to 6 एंड द अदर पार्ट इज 6 to 12. हम क्लॉक को 2 parts में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है हमारा 12 to 6 और एक है हमारा 6 to 12. यानी कि एक है 12 to 6 हो गया और एक हो गया 6 to 12. द डॉटर लैंड डिवाइड्स द क्लॉक इन टू 2 halves. ये दो हाफ में डॉटर लैंड जो ये बीच में दिख रही है, इसने 2 भाग में इसे डिवाइड कर दिया है। When the minute hand is on the right side of the dotted line, we read the time as minute past a given hour. जो right side में आपको ये दिख रही है, ये minute hand जो है, जिसको ये है, वो क्या है? Minute की है. When the minute hand is on the left side of the dotted line, we read the time as minute to the next hour. जब वो इस dotted line के इधर को आ जाती है, तो हम अगले घंटे की दिन उसे dotted line को read करते हैं। ठीक है, जब वो इसके इधर आ जाती है, डॉटर लाइन ये दिख रही है, इसके इधर आएगी। तो यहाँ देखिए, द आर हैंड इज अ लिटिल पास 9, द मिनट हैंड इज ऑन 2. जो आर हैंड है, जो घंटे की सुई है, वो किस पे है? 9 पे, और मिनट हैंड किस पे है? 2 पे. 2 5 से कितना होता है? 10. हैव पास्ड 6:09 o'clock. Thus the time is 9:10. तो यहाँ पे हम मैंने आपको 10 minutes बताए थे ना बच्चों, पीछे घड़ी में 2 में क्या होता है? 10 minutes, यानी कि 9:10 हो रहे हैं। ठीक है, हम इसे क्या पढ़ेंगे? 10 minutes past 9. ओके, हाँ बच्चों, वॉच बनी हुई है, इसमें आपको टाइम देखना है कितना हो रहा है।
इसमें देखिए 6:15 हो रहे हैं, ठीक है। तो 6 ऐसे लिखेंगे, 2 डॉट्स लगाएंगे और 15 लिख देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि 15 मिनट्स पास्ट 6, ओके, 15 मिनट्स टू 6 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। 15 मिनट्स टू 6, जब इसके इधर है, 12:06 इस पार्ट के इधर है तो 2 आएगा, और इसके इधर आया तो पास्ट बोलेंगे, ओके। इस तरीके से आपको इस वॉच के सारे बच्चों के टाइमिंग लिखने हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉच बनी हुई है, इनकी आपको इंडिकेट करना है कि कितना टाइम हो रहा है। इसमें लिखा है 5 मिनट्स टू 11, यानी कि पहले एक सुई हमारी छोटी वाली 5 पे बनेगी, और 11 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 10 होता है 2 पे, और यहाँ पे ये 11 होगा, तो यहाँ पे हमारी होगी 11, ओके। ऐसे आपको सुई बनानी है, इसमें 8 बनाना है, 8:15, 25 मिनट्स पास्ट 7, पास्ट बोला है तो मैंने आपको बताया था पास्ट इस साइड होता है, उसके इधर और इधर 2 वाला होगा, ओके। इस तरीके से आपको ये करनी है एक्सरसाइज अपनी कॉपी में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।